guys, welcome back to my channel. It's me, Neelofer. So in this video, I am going to share with you this glam makeup tutorial, जो कि glow factor आपको दिख रहा होगा, and used illuminator for this glow, जिस पे already मैंने video बनाया हुआ है, how to apply illuminator, how to use. So इसके already मैंने कितने सारे videos बनाए, I think 2 बनाए हैं या 3 बनाए हैं. सबके link जो है मैं description box में share कर दूंगी, और साथ ही साथ मैं center में वीडियो चलते चलते मैं इन्फो में भी शेयर कर दूंगी. तो अगर आपने मिस किया है सो कीप वॉचिंग, वो आपको बहुत ही हेल्प होगा. और उसके साथ ही इल्यूमिनेटर मैंने इस वीडियो में भी यूज किया है, सो यू कैन सी द ऑल ग्लो ऑन माय फेस. एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल्स में शेयर करूंगी, कुछ टिप्स होता है वो भी मैं शेयर करूंगी, सो स्किप मत कीजिएगा. सो वॉच द कम्प्लीट वीडियो. वीडियो पसंद आती है तो आपको करना है लाइक, यानी कि जो लाइक वाला होता है बटन, उसे जस्ट हिट कर देना है. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट येट. सो विदाउट फर्दर टॉकिंग, लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो. मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपकी स्किन को थोड़ा प्रेप करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है बेसिकली मेकअप, ताकि आपका लॉन्ग लास्ट रहे, कोई हार्म ना हो आपके स्किन पे. इफ यू वांट हेल्थी स्किन सो प्रेप जरूर कर लीजिए. सो आई एम टेकिंग गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन B3 सीरम, जो कि बहुत लाइट वेटेड ऑयल होता है. आप कोई भी आर्गन फेशियल ऑयल ले सकते हैं, और ये सारे जो गुड वाइब्स के आइटम्स है मैक्सिमम जो है आपको purple.com से अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में. सो इसकी मैं कुछ ड्रॉप्स ले लूंगी, इसे जस्ट मैं ऐसे रब करूंगी एंड जस्ट प्रेस इट ऑन. अब मैं इसको हल्का सा ड्रैग करूंगी. तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का ग्रीन टी फेस क्रीम ले रही हूँ. आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं. सो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर मुझे नीड होती है बिकॉज ऑफ माय ड्राई स्किन. आपके स्किन टाइप का जो भी है आप वो क्रीम ले सकते हैं. सो यहाँ से मैंने इतनी क्वांटिटी ले ली. मैं थोड़ा सा फिंगर टिप में ऐसे रब करूंगी एंड देन मैं इसे अप्लाई करूंगी. आप स्किन को जितने अच्छे से मॉइस्चराइज और प्रेप करेंगे आपका जो मेकअप है उतना फ्लॉलेस लगता है. यहाँ पर मैं प्राइमर ले रही हूँ रेवलॉन का, ये भी बहुत बजट फ्रेंडली है और ये थोड़ा सा मैट फिनिश देता है. आपके पास नहीं है तो आप सिंपली जैसे है किसी भी एलोवेरा जेल पे जा सकते हैं, ये भी आपका एज अ प्राइमर का काम करेगा और आपके जो ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज करेगा, और आप इसके ऊपर कोई भी जो मेकअप आप करेंगे तो आपकी स्किन को कोई डायरेक्टली हार्म नहीं होता. तो जब तक ये सेट हो रहा है इसे जस्ट थोड़ा सा टाइम देना होता है सेट होने के लिए. तो मैं अपने ब्रावो को फिल इन करूंगी. सो यहाँ पे मैं आया जेल की कॉम्बी पैक में जा रही हूँ, इसमें ब्राउन एंड ब्लैक दोनों शेड अवेलेबल थे, एक साथ आता है, और इसमें से मैं अपने ब्रावो के लिए ब्राउन शेड पिक करूंगी. और ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है. अगर आप लेना चाह रहे हैं आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल्स जो है मैं मेंशन कर दूंगी करके. ठीक है, हल्की से जस्ट मैं स्मज कर दूंगी ताकि जो भी शेड है वो अच्छे से स्मज हो जाए और एक नेचुरल सा ब्रावो आपको दिखे. आपके पास नहीं है तो आपके जो पैलेट उसमें से ब्राउन एंड ब्लैक शेडो को मिक्स करके ब्रश के हेल्प से आप आपके ब्रावो को फिल इन कर सकते हैं, वो भी आपके अफोर्डेबल और प्राइस में बजट में आ जाएगा. जैसे कि ये मैं ग्लॉसी मेकअप बेस बनाऊंगी, सो यहाँ पर मैं हेयर्स ब्यूटी का इल्यूमिनेटर ले रही हूँ जिसका शेड है ब्राउन, और ये मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड के अवेलेबल होंगे. लाइक इसके गोल्ड शेड आते हैं, सिल्वर भी आता है, थोड़ा रोजी शेड में भी आता है, और सेम एज इट इज ऐसा ब्राउन शेड आता है. सो ये मैं यूज करूंगी. और इसे कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और मेरा वो मोस्ट वायरल वीडियो रहा है. सो अगर आपने मिस किया है सो लिंक मैं जो है इन्फो में ऊपर अवेलेबल कर दूंगी, आप देख सकते हो, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी. सो इसके जस्ट मैं थोड़ा सा लूंगी इतना, और इसको जस्ट हाई पॉइंट जो फेस होता है उसमें जस्ट अप्लाई करूंगी. सो जस्ट इतना, और आई कांट टॉक मच वाइल डूइंग माई मेकअप, सो बेयर विद मी गाइज. सो इतना मैंने अप्लाई कर लिया, देन फिंगर टिप से इसको जस्ट मैं ऐसे 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 स्प्रेड कर दूंगी. सो बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कौन से स्टेप में स्टार्ट करना चाहिए. सो फर्स्ट आपकी स्किन को पहले प्रेप कर लीजिए, और उसके बाद फेस प्राइमर यूज करने के बाद अगर नीड है कलर करेक्शन के लिए आप कुछ भी लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं, देन उसके बाद ही अप्लाई कीजिए.
और अदरवाइज अगर आपको कलर करेक्शन नहीं चाहिए तो फेस प्राइमर के नेक्स्ट आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं लाइक इल्यूमिनेटर। जस्ट लुक एट माई फेस कितना ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है फाउंडेशन का। सो इसके ऊपर आप कोई भी फाउंडेशन अगर यूज कर रहे हैं लाइट टू मीडियम कवरेज यूज कीजिए। सो यहाँ पर मैं मैक का जो है यूज कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे जो स्पॉट लाइन्स हैं उसे थोड़ा सा कवर अप कर देता है। सो इसे मैं जस्ट थोड़ा सा अप्लाई करूंगी ऐसे इसके ऊपर। नेक्स्ट ब्रश के हेल्प से इसे जस्ट मैं अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी। सो सी द डिफरेंस दोनों साइड का और अदर साइड जो है इसे भी ब्लेंड कर लूंगी। इस इल्यूमिनेटर से रिलेटेड मैंने दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने सीसी क्रीम जो है वो भी अप्लाई करके देखा है। उसके दोनों रिजल्ट मैंने आपको दिखाया है अपने वीडियो पे। सो लिंक जो है मैं इन्फो में शेयर कर दूंगी, आप उसे मिस मत कीजिएगा। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर SFR कंसीलर पैलेट ले रही हूँ और इसमें से एक कंसीलर शेड पिक करूंगी। जस्ट मैं अपने अंडर आई को थोड़ा सा कंसील करूंगी। अभी साथ थोड़े ब्रावो को भी क्लीन करूंगी। देन इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से बेस को सेट कर लूंगी। आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर ले सकते हैं। इस ब्रश के हेल्प से पाउडर को जो है अप्लाई करूंगी ऑल ओवर माय फेस। तो बहुत लोग पूछते हैं कि अगर हम इल्यूमिनेटर यूज करते हैं उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर सकते हैं कि नहीं। बट यस, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, अगर आप इल्यूमिनेटर बेस से पहले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बेक मत कीजिएगा, आप सिंपली कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कीजिएगा। अदरवाइज आप जितना बेक करेंगे उतना थिक लेयर बनता रहेगा और आपका जो ग्लो है वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू बी नेचुरल, लाइक आप थोड़ा सा लाइट लाइट यूज करेंगे उसके ऊपर लाइट कॉम्पैक्ट पाउडर, तो उससे आपका ग्लो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। फॉर आई लुक मैं बहुत नेचुरल रखने वाली हूँ। सो नेचुरल मीन्स लाइक थोड़ा सा हम लोग जैसे ट्रांजिशन शेड पिक करते हैं, बट आज मैं यहाँ पर ट्रांजिशन शेड बिल्कुल नहीं पिक करूंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में जाऊंगी। सो मैं सोच रही हूँ लाइक गो विद ग्रीन शेड। सो ग्रीन मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि मैं पिंक ट्राई करती हूँ, ऑरेंज करती हूँ, समटाइम्स आई यूज ब्लू। सो आज थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करती हूँ ग्रीन। सो इसके लिए आप कोई भी पैलेट पे जाइए, मेरे पास ये मैट का पैलेट है और इसे मल्टीपल शेड्स अवेलेबल हैं और इसमें से जस्ट मैं मैट कोई भी ग्रीन शेड इन दोनों में से एक शेड में जाऊंगी। सो इतना पिक कर लिया है एंड एक्सेस को थोड़ा डस्ट ऑफ करना है एंड देन स्ट्रेच और ये मैं यहाँ पर ऐसे अप्लाई करूंगी, उसमें अच्छे से ऐसे ब्लेंड कर लूंगी। सो इसका पिगमेंट थोड़ा सा लाइट है, सो मैं थोड़ा और अप्लाई करूंगी ताकि जब तक मुझे अपने सेटिस्फाइंग वाला शेड ना मिले। ऐसे ही इजीली जो है ब्लेंड कर रही हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत इजीली इसे ब्लेंड कीजिए क्योंकि यहाँ पर और कोई शेड मैं यहाँ पर नहीं यूज करूंगी। सेम को मैं थोड़े से लोअर लैश में भी अप्लाई करूंगी क्योंकि हम जब बेस यूज करते हैं ना तो हमारा जो भी नेचुरल लाइक अपने लैश होते हैं, वॉटर लाइन है, वो सारा जो है एक फ्लैट हो जाता है, कवर हो जाता है। तो उसे जस्ट थोड़ा सा डायमेंशन और पॉपअप करने के लिए आप जो है लोअर लैश में भी अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर जस्ट मैं वही सेम ब्रश के हेल्प से जो मैं है अप्लाई करूंगी और साथ साथ ब्लेंड कर रही हूँ। एक लिक्विड शैडो लूंगी, आई शैडो। सो आपको स्विस ब्यूटी का भी मिल जाएगा, इसका प्रिंट एक्चुअली निकल गया है। आई थिंक ये थोड़ा कोई लोकल ब्रांड था, सो मुझे इसका ध्यान नहीं है। सो ये वाला पिक करो, हाँ। सो इसका मैं क्या करूंगी, इसको जस्ट फिंगर टिप में लूंगी, हल्का सा थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड है इसका, जिस मैंने फिंगर टिप्स में लिया और अपने लिड के जो सेंटर पार्ट है इसे जस्ट मैं डैब डैब मोशन पे इसे अप्लाई करूंगी। आप चाहो तो सेम ग्रीन शेड का जो शिमरी शेड अगर आपके पास है आप वो भी लगा सकते हो। बस इतना इनफ है। नेक्स्ट मैं अपने लैश को अच्छे से कर्ल कर लूंगी। देन यहाँ पर मैं मेबेलिन हाइपर कर्ल का मस्कारा लूंगी और अच्छे से ऊपर नीचे दोनों जगह जो है मैं दोनों लैश में कर्ल कर लूंगी। सो सी द डिफरेंस, आज जो है मैं कोई फॉल्स लैश नहीं यूज करूंगी। सो इसे मैं ऐसे ही यूज कर रही हूँ।
सो डेली रूटीन के लिए सिंपल भी है और बहुत इजीली आप इसे अचीव भी कर सकते हो। व्हाइट पेंसिल ले रही हूँ और लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्वेस ब्यूटी का ब्रॉन्जर ले रही हूँ और इसे अपने हॉलो ऑफ चीक्स पे जैसे हम ब्रॉन्जर पार्ट होता है वही करेंगे। आपके पास कोई भी ब्रॉन्जर अगर नहीं है आप सिंपली जो है ब्राउन शेड पिक कर सकते हैं और उससे आपका ब्रॉन्जर जो है आप कर सकते हैं। ड्रग स्टोर से लिया था और ये अंडर 250 रुपीज का है, सो ये भी अफोर्डेबल प्राइस में बजट फ्रेंडली है, सो आप ले सकते हो कोई भी स्वीस ब्यूटी के स्टॉल से। देन नोज को भी कॉन्टोर करूंगी। नेक्स्ट रिफ्रेशिंग एंड ग्रूमिंग का पिंक कलर का शेड ले रही हूँ लाइक ब्लश और इसे मैं ब्लश अप्लाई कर दूंगी। थोड़ा ज्यादा लग गया। स्माइल एंड देन लोकल मार्केट से लिया था हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट जो कि कॉपी है, डेफिनेटली कॉपी है और कुछ 100 रुपीस का आया था आई बिलीव, मुझे याद भी नहीं है। सो यही शेड मैं आज लगा रही हूँ पॉप अप। So that is all about this video. I hope you enjoyed watching. So like जरूर कर देना and leave your comment below कि video आपको कैसे help हुई है या कैसी लगी है. So take care. See you in my next video. Thanks for watching. Bye guys.